तो इसलिए यहाँ पर रसप्रद है। वैसे समस्त रस कृष्ण के अंदर है, लेकिन सभी रसों में सर्वश्रेष्ठ कोई रस है तो वो क्या है? भक्ति रस, जो जिसको रूप गोस्वामी ने कहा है भक्ति रसामृत सिंधु। इन भक्ति रस से ही कोई भी जीव कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन कर सकता है, कृष्ण के सौंदर्य का आस्वादन कर सकता है, कृष्ण के गुणों का आस्वादन कर सकता है। भक्ति नहीं है तो कृष्ण सामने खड़े हैं तो भी व्यक्ति उससे कुछ लाभ नहीं ले पाएगा। भक्ति से ही कृष्ण के अंदर जो रस है उसका आस्वादन एक भक्त या एक व्यक्ति कर सकता है। और इस भक्ति रस को देने के लिए ही कृष्ण ने भगवत गीता कही है। यद्यपि भगवान ने गीता में सभी प्रसंगों का वर्णन ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग सब कहा है, लेकिन उद्देश्य उसका भक्ति का था। कैसे मालूम होगा? गीता का अंत करते हुए कृष्ण कहते हैं कि यह इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु अभिदास्यति, भक्ति मई पराम कृत्वा मामे वेश्यत्य संशय। जो इस परम गुह्य ज्ञान को मेरे भक्तों को सुनाएगा उसको मेरी पराभक्ति प्राप्त होगी। अगर गीता कहने के पीछे कृष्ण का उद्देश्य कर्मयोग होता तो वो कहते कि अगर ये गुह्य ज्ञान किसी कर्मी को सुनाता है तो उसको कर्मयोग में सिद्धि प्राप्त होगी। या तो कह सकते हैं कि किसी ज्ञानी को यह परम गुह्य ज्ञान सुनाता है तो उसको ज्ञान योग प्राप्त होगा, लेकिन ऐसा कुछ न कहकर क्या कहा? कोई भक्त को सुनाता है तो उसको मेरी पराभक्ति प्राप्त होगी। यह साबित करता है कि भगवान ने गीता कही तो उसका उद्देश्य एकमात्र भक्ति का था। भले ही उसने सब तरह की बात की, क्योंकि सबके स्वभाव अलग अलग है, सबकी रुचि अलग अलग है, तो सबको ध्यान में रखते हुए कृष्ण ने कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग सब प्रकार की बातें की, लेकिन उद्देश्य क्या था? जीवों को भक्ति रस देने का।